बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम साहबजादी दसरखान से बात कर रहे हैं। साहबजादी दसरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के खाने के साथ साथ नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे पास नाश्ते में जो है चाय है, चाय के साथ हम रस दे रहे हैं। साहबजादी दसरखान पे आज दिया जा रहा है नाश्ता जो कि है चाय रस। और जो है हमारे मेहमान जो हैं मंदिर तशरीफ़ ला चुके हैं, जो कि दुआगों हैं पानियान के लिए। अल्लाह ताला उनके रिज़्क में माल में जान में बरकतें अता फरमाए। पाक परवरदिगार जो है उनकी तौफीकात में इजाफा करें। और जो है ये सब लोग बहुत मशहूर हैं कि साहबजादी दसरखान ने ये नाश्ते का सिलसिला शुरू करके लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। ये मज़दूर तबका है, ये अर्ली मॉर्निंग ये लोग उठते हैं, इनकी जो है काम की टाइमिंग भी जो होती है 8 बजे है। तो इसलिए साहबजादी दसरखान ने अर्ली जो है वो नाश्ते का अरेंज किया है, ताकि जो हमारे भाई हैं ये नाश्ता करके टाइम पर अपने कामों पर पहुँच सकें। तो साहबजादी दसरखान पर अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी वक्त का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो और ये वो दस्तरखान है, यहाँ किसी किस्म का कोई गला या चंदा बॉक्स नहीं है। और यहाँ का कोई भी जो स्टाफ है वो किसी से पैसे लेने का मजाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाश्ते का आगाज़ हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मेहमान जो हैं अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं, और मेहमानों की आमद का सिलसिला 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है मुसलसल जारी रहेगा। तो हमने अपना जो है नाश्ता देना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे नाश्ते का आगाज़ हो चुका है। तो सब लोग बहुत मशहूर हैं साहबजादी दसरखान के लिए। बहुत शुक्रिया साहबजादी दसरखान।